Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Question 8 is, find the zeros of the polynomial x square minus 3 and verify the relationship alpha plus beta jo ke minus b by a hota hai aur alpha in, if alpha beta are the zero, agar alpha beta zeros hai. तो आप यहां पर सबसे पहले पॉलिनोमियल आप ले लीजिए, पी एक्स से रिप्रेजेंट कराइए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. नाउ फॉर जीरोस पुट पॉलिनोमियल को आप इक्वल करेंगे जीरो के, तब आपके क्या आते हैं एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे जो कि आपके जीरोस होते हैं. तो जब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को जीरो को इक्वेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री. और मैं इसे क्या लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर is equal to root 3 का square. Now when अगर इस तरह की condition हो कि a square is equal to b square है और यहाँ पर a क्या है variable होता है और b क्या है constant होता है, जैसे यहाँ पे x variable है और constant है root 3, तो a की value क्या आएगी plus minus b, plus b और minus b. Similarly यहाँ पे x की value क्या आएगी root 3 plus minus root 3, क्योंकि plus का root 3 का square करें तो भी एक root 3 आए 3 आएगा और माइनस के रूट थ्री का स्क्वायर करें तो भी थ्री आएगा. तो इसीलिए हम दोनों प्लस माइनस की वैल्यू लेते. सो जीरोज आर रूट थ्री एंड माइनस रूट थ्री. अब आप यहां पे सम ऑफ जीरोज देखिए, या पॉलिनोमियल को अगर मैं लिखूं पी एक्स इज इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर माइनस थ्री. अब यहां ए एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या हो जाएगा यहां पर वन, बी एक्स का कोफिशियंट सिंस एक्स वाली टर्म तो यहां पे है नहीं, तो दैट मीन्स जो टर्म नहीं होती उसका कोफिशियंट जीरो होगा, तो वो जीरो हो जाएगा. और सी कांस्टेंट टर्म माइनस थ्री है. अब आप यहां पे सम ऑफ जीरोस देखिए, एस ओ जेड मतलब सम ऑफ जीरो, ये क्या है ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए यानी के माइनस जीरो बाई वन दैट इज इक्वल टू जीरो. और अगर डायरेक्ट निकाले हम एस ओ जेड सम ऑफ जीरोस वो कितना आ जाएगा रूट थ्री प्लस माइनस के रूट थ्री, वो भी जीरो आएगा. तो आप देख सकते हैं बोथ रिलेशनशिप यहां पर बोथ सम ऑफ जीरोज इज आर सेम, दोनों बार में सम ऑफ जीरोज क्या है सेम है, देयरफॉर रिलेशनशिप इज वेरीफाइड.